पहली H2 लेके हम खारदुंगला पास। मैं ये कह रहा हूँ वो आरक्षण डेट अभी चार बार निकली, उनका चेक क्यों नहीं करा आपने? वो देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा पूरे का पूरा गैंग हो गया, धूम मचा देंगे ऊपर जाके, लेकिन रास्ता तो खोले। या दिस इज कावासाकी निंजा H2 वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक। यस, बहुत बहुत मुबारक है इस लड़की की भी हिम्मत है भाई, दुकाटी लेके खारदुंगला तक आ गई है। देखो भाई नई वाली थार। बर्थडे इसका केक कम खा रहे हैं। ओके गाइस, सारे के सारे सो जाओ, हैप्पी बर्थडे भाई, बहुत बहुत मुबारक। 35 का हो गया। पैर छू, पैर छोटे बच्चे पैर छूएंगे। आशीर्वाद मेरा साथ है भाई, मैं सारे पैर छू, 35 साल का हो गया। हमारे उधर एक रिवाज है, जो जितना साल का होता है उतने मुक्के मारते हैं, हमारे यहाँ भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। टाइम सुबह के 10:45 बजे, नीचे बुफे लगता है ब्रेकफास्ट के लिए। भागता हुआ जा रहा हूँ, सारे लोग नीचे पहुंच गए हैं, मेरी नींद नहीं खुली एक्चुअली, रात को एडिट करते करते लेट हो गया, सुबह उठने का मन ही नहीं होता। फिर मैं सोचा नहीं भाई, नाश्ता तो कर ही लेते हैं। गुड मॉर्निंग भाइयों, हाँ दिख ही रहा, हल्का फुल्का ही है, ज़्यादा नहीं है। ओके ये भी लेता हूँ। तो भाई मैंने सारी चीज़ें वही ली है जो ये ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, उत्पम सांबर पराठा फ्रूट्स और जूस। गुड मॉर्निंग सबके, गुड मॉर्निंग धीरे धीरे हो रही है। अरे पराठा नहीं लिया तुमने? पराठा एक नंबर भाई, मक्खन के साथ सच्ची में एक नंबर, मैं तो पराठे ही पराठे खा रहा हूँ। आमिर भाई गुड मॉर्निंग, अरे रात को नींद में किससे बात कर रहे थे? नहीं, कल रात को भी, आज नहीं कल को भी। भाई रात को आप 2 बजे सोए हो ना, एकदम से कान में आवाज़ ही बोलो, सारे 7 बजे को सुनाई भी ना, और बात भी करनी है। आपके ऐसे ऐसे खोल के देखी भाई, लगे हुए फोन पे, मैं आमिर भाई क्या हो गया? उसके बाद फिर सो गए, फिर पता नहीं कब सोए, हमें नहीं पता। अभी भी लगे हुए भाई, नहीं कॉल हिस्ट्री लिख कर रहे हैं। अच्छा ताकि हमें बताना लगे। ओ भाई मुबारक है, मुबारक है, एक और केक काटेंगे आज तो, 150 के हो गए हैं ये। चलो सबको हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करो। थैंक यू। अरे हमें नहीं, जो वीडियो देख रहे हैं हमें कर रही है। नीचे चल रहा है फोटो सेशन, और वो सामने खड़ी हैं अपनी बाइक्स। देख भाई ये पूरा रेडी, ये भी रेडी, ये भी रेडी। आमिर भाई ने ना, जैसे हम रिकॉर्ड बना रहे हैं ना कि भाई पहली H2 लेकर हम खारदुंगला जा रहे हैं, आमिर भाई भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, पहला बंदा चक्की पहन के जाएगा खारदुंगला। ये रिकॉर्ड बिल्कुल अलग किस्म का, और जिंदगी में लाइफ टाइम कोई और नहीं बना पाएगा इनके सिवाय। इसके लिए दम चाहिए, दम मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट होंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट। एक बार इसको भी देखो भाई, ओए ओ भाई, जाना नहीं जाना? नहीं तुम्हें नहीं कह रहा, अब इसको कह रहा हूँ, ये तो हाफ रेडी थे, ये तो हाफ से भी हाफ हो गया। समीरन भी रिकॉर्ड बना रही है, चड्डी बना रहे हैं, समीरन कह रहे हैं चड्डी और बनान दोनों साथ में, तुम दोनों ऐसा रिकॉर्ड बना दो, दुनिया में कोई उसको तोड़ ना पाए भाई। 12:50 लेके रुद्रा लेके चड्डी और बनान, चलेगा भाई? मजा नहीं, रिकॉर्ड बन जाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा ऐसा रिकॉर्ड। चल डन है भाई, आमिर भाई ने प्लान चेंज कर दिया, रंग बिरंगी चड्डी में कह रहा रिकॉर्ड बनाऊंगा, रंग बिरंगी चड्डी में, रंग बिरंगी चड्डी। गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग, फुल रेडी? और अभी तक मैंने आपको आज का प्लान तो बताया नहीं, हम लोग जा रहे हैं खारदुंगला, खारदुंगला जाएंगे, मस्त फोटो वोटो क्लिक करवाएंगे। आमिर भाई वो सामान ले लेना 4M वाला, वहां जाके एक धासु सी फोटो क्लिक करानी, उसी के लिए जा रहा हूँ मैं तो स्पेशल। मेरे को एकदम से याद आया, वीडियो बनाते बनाते अगर भूल जाते ना आपको वापसी भेजते। आमिर भाई जा रहे जिप्सी लेके, बाकी हम सारे जा रहे बाइक पे, और बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये अच्छी थी, तू भी ऐसे कर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी मेरे को आती मेरी एक्टिंग देख, गुड मॉर्निंग, कैसी है कैसी है ना, इससे भी बढ़िया कर दी मैंने। तुम्हारा भाई मैं कह रहा हूँ टैलेंट ऐसे ऐसे, बस वही है, मेरे को बॉलीवुड से कॉल नहीं आ रहा, बाकी नहीं तो मैं तो तैयार हो जाने के लिए। सिम नहीं चल रही भाई यहाँ पे ना, अच्छा इसलिए कॉल नहीं आ रहा, ओह सिम नेटवर्क काम नहीं कर रहा है ना यहाँ पर। चलो बाय बाय, चलो भाई लेट्स गो, जा रहे हैं
पहली H2 लेके हम खारदुंगला पास। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक करानी है। मैंने सोच रखा है ऐसा भी करूंगा, सोच के हम बहुत कुछ जाते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड मिलेगी तो सारे प्लान कैंसिल हो जाएंगे। और वो आगे बाइक पे एक बंदा जा रहा है, हमने उससे पूछा पेट्रोल पंप के लिए नीचे जाएं, वो कह रहा नहीं ऊपर भी है, आगे जाके खारदुंगला की चेक पोस्ट आती है वहीं पे पेट्रोल पंप भी है। तो यहाँ से करवाएंगे पेट्रोल फिल। पावर तो नहीं होता ना अपने पास? पावर नहीं ना, पावर मिलेगा ही नहीं। अच्छा नीचे है पेट्रोल पंप पे, चलो जाते टाइम डलवा लूंगा। तो ये देखो भाई, बाइक क्या ही शाइन मार रही है, लिशकारे मार रही है। ये भी ये थोड़े कम लिशकारे मार रही है, ये ज़्यादा गंदी हो गई है। और ये भी साथ है, और ये जिप्सी भी जा रही है अपने साथ। हेलो मैडम, लिफ्ट मिलेगी क्या? नहीं सॉरी, ओनली फॉर टू। ओहो, तो मेरे को ऐसा लग रहा है निकालना पड़ेगा आपको बात। और भाई इस जिप्सी में ना एग्जॉस्ट एक नंबर लगा हुआ है, अभी आवाज़ सुनाता हूँ, एक मिनट स्टार्ट करेंगे। तो आमिर भाई स्टार्ट करना एक बारी। भाई साहब ऐसा लग रहा है साथ में एक और सुपर बाइक लेकर जा रहे हैं, ऐसी आवाज़ है। और ये जिप्सी है किसकी? हमारे शिंगे भाई की। शिंगा भाई तो मिला नहीं, उसका ग्रुप आया हुआ कहीं गया हुआ है, जिप्सी हमारे पास है। लो भाई लो, निकल के हम अपनी मंजिल की ओर। ये भाई थोड़ी आगे तक जाएगा, यही भाई ने पेट्रोल पंप बताया था, थोड़ी आगे तक जाएगा जहाँ पर वो चेक पोस्ट है, उसके बाद ये यू टर्न और हम सारे निकल जाएंगे खारदुंगला की ओर। वैसे हम इस रोड से आते बाइकर्स आ रहे हैं, उनके लिए वेट करते हैं पहले वो निकल जाएं। चलो 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 जाने दो, रॉयल एनफील्ड RX 100 दो दो, बहुत सही। चलो यहाँ आई थिंक परमिशन चेक होगी। अच्छा परमिट नहीं नहीं, वो RX 100 वो लेके गया, उनका नहीं चेक करा। ये प्राइवेट है, रेंटल यहाँ कहाँ से आएगी ये? कैसे हो, ठीक हो? मैं ये कह रहा हूँ वो RX 100 अभी चार बार निकली, उनका चेक क्यों नहीं करा आपने? ओह ये बात सही है, हम शरीफ हैं है ना। चलो फिर निकल लो, चले फिर जाएं हम। चलो भाई परमिट वगैरह हमने यहाँ चेक करवा दिया, और यहाँ भी पेट्रोल पंप है, अब तो जगह जगह पेट्रोल पंप है यहाँ पर। खारदुंगला इज 34 किलोमीटर, साउथ पुल्लू 20 किलोमीटर। कुछ तगड़ी चीज बन रही है नीचे भाई, कुछ तगड़ी, एक दो सालों बाद ही पता लगेगी। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, बाय 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 बाय। देखो यहाँ हम खड़े हुए, बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में मैंने देखा ही नहीं, एकदम से नजर गई ना भाई, भाई छोटी सी वैली है एकदम गोल ना, ग्रीन 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 ग्रीन, मस्त अच्छी लग रही है, सुंदर है। आसपास कुछ भी नहीं है, आसपास बंजर पहाड़, बीच में गोल सी वैली, पूरी ग्रीन, क्रिकेट ग्राउंड है घासों वाला। चले चलो, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही सुंदर रोड। मेरे को आज भी याद है पहली बार जब मैं खारदुंगला आया था ना अपनी ड्यूक 390 लेके, इतनी मुश्किल थी, इतनी मुश्किल। मेरे साथ दो तीन बंदे भी थे, उन्होंने आधे रास्ते से यू टर्न मार लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, वो बुलेट पे थे। मैं अकेला भाई, अकेला ऊपर तक गया, स्नो भी थी रोड पे, ब्लैक आइस थी, दो तीन जगह बाइक फंसी, सांस ऐसी चढ़ गई, वो मेरा पहली बार का जो एक्सपीरियंस है ना वो कभी दोबारा नहीं मिल सकता। आप लिखना जट प्रभजोत ड्यूक 390 खारदुंगला, मेरी वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो देख लोगे ना आपको पता लग जाएगा भाई, अलग ही लेवल था वो। टायर बहुत ज्यादा स्लिप मार रहा है, अभी तो रोड बन गई, इतना मजा आ रहा है, सुपर बाइक के सुपर कार भी ले जाओ भाई। नीचे गहराई देखो कितनी ऊपर आ चुके हम, ओ भाई साहब अभी तो और बहुत ऊपर जाना है, आधा रास्ता भी नहीं आए। कैसे भाई, ठीक हो? सब बढ़िया। तो आगे हो रही है लैंडस्लाइड, उसकी वजह से रास्ता रोका हुआ है, एक बार मोबाइल से जूम करके दिखाता हूँ। अरे वो देखो भाई साहब, क्या तगड़ा पत्थर गिरा है भाई, अभी क्लियर होगा पूरा, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। अली हम ही सुपर बाइक नहीं लेकर आए भाई, यहाँ CBR 650 भी आई हुई है, GT टाइगर अपनी रुद्रा, बहुत सारी बाइकें हैं, ऐसा लग रहा है पूरे का पूरा गैंग हो गया, धूम मचा देंगे ऊपर जाके, लेकिन रास्ता तो खोले। अभी आए हैं ये बंदे, आई थिंक ये पत्थर वत्थर उठा के ट्रक में डालेंगे फिर खुलेगा, और 10-15 मिनट लेंगे, और सामने का व्यू देखो भाई। तो भाई रास्ता खुल चुका है, यहीं पर ये पत्थर गिरे हैं, देख रहे हो वो ऊपर से गिर रहे थे, वो ट्रक ऊपर चला गया पत्थर उठाने के लिए ना, रिस्क रहता है, हालांकि हो सकता था यहाँ ना भी गिरे, लेकिन एक पत्थर भी गिर गया तो काम तमाम।
छोटा मोटा ऑफ रोड, पहले तो रास्ता ही नहीं होता था, सारा ऑफ रोड होता था, अभी तो बीच बीच में छोटा मोटा ऑफ रोड आ रहा है, बाकी मिट्टी विट्टी है। ये रोड देख रहे हो, पहले सारी रोड ऐसी होती थी, बिल्कुल इससे भी ज़्यादा ख़राब। और जब पहली बार आया था भाई, आस पास ये पहाड़ों पर स्नो ही स्नो, रोड पर भी स्नो, ब्लैक आइस, पानी पानी नहीं रहा। वो दिन सोचता हूँ ना तो आज सोचता हूँ कि कितना बढ़िया अभी ये रास्ता। वो देखो भाई सामने का नज़ारा, सारे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, मतलब हम इनके बराबर हाइट पे आ चुके हैं, बराबर तो नहीं अभी तो ऊपर ही होंगे तब इतनी बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है बिल्कुल बराबर है। सारे के सारे अपने हेलमेट के वाइजर कर दो बंद, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक आ चुके हैं मिट्टी उड़ाने के लिए। और हम पहुंच चुके हैं साउथ पुल्लू, वैसे ही मिट्टी का ढेर क्रॉस करके साउथ पुल्लू आ जाएगा सामने। अरे टाइगर लेके कुदाते हुए जा रहे हो, कहाँ गए मरी रुद्रा, जरा पछाड़ो इनको। मजाक कर रहे भाई, मजाक भी तो चलता रहना चाहिए ना, माहौल बना रहता है। वेलकम टू साउथ पुल्लू, यहाँ पर एंट्री होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, आगे लगाते हैं बाइक। आगे रुद्रा आगे, हाँ ये टाइगर को पछाड़ना है जरा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई से बच गया भाई, पीछे का लेट ना, ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम से विंग उड़ जाता नहीं तो अपना। थैंक यू, बाइक्स अच्छी लग रही है इनको, कह रहे हैं नाइस बाइक्स। यू आर फ्रॉम इंग्लैंड? ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, या दिस इज कावासाकी निंजा H2 वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक। यस, थाउजेंड सीसी, या थाउजेंड सीसी, ओके बाय बाय, नाइस टू मीट यू, सेम हियर। बहुत सारे राइडर्स, क्या बात है। तो अभी जो नीचे सारे बंदे मिले थे ना, वो सारे इंग्लैंड से थे, ब्रिटिशर्स भाई, वो बाइक को देखते ही रह गए। नाइस बाइक, पहले इसको देख रहे, इससे नजर नहीं हट रही, फिर उन्होंने देखा रुद्रा को, उससे नजर नहीं हट रही, दुकाटी हमारी आगे खड़ी हुई थी, मतलब उनको लग रहा था भाई ये कोई चीज है। फिर मैंने उनको बताया ना ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है, कह रहे वाह मजा आ गया। फिर मेरे से पूछ रहे थे कि हाथ वाथ में दर्द हो जाता होगा, मतलब हाँ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अपने को बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है तो टेंशन नहीं है। मजा आया उनके साथ कन्वर्सेशन करके ना, ऐसे बाहर के बंदे मिलते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ हम बताते हैं, तो थोड़ा माहौल बना रहता है भाई। तगड़े वाला ठंड हो रहा है यहाँ पर, तगड़े वाला, अभी तो हम खारदुंगला पहुंचे भी नहीं और बहुत ऊपर है। क्या टेम्परेचर दिखा रहा है, 3 डिग्री, बाप रे बाप, मेरे को लग ही रहा था भाई हाथ ना एकदम जमने को हो रहे हैं, सुन हो जाते ना वैसे हो रहे हैं। ऊपर पहुंचते पहुंचते पता नहीं कैसा हाल होगा, कैसी कैसी फोटो सोच के आए, खिंचवा भी पाएंगे नहीं पाएंगे, अगर खींच ली होगी तो आपको इंस्टाग्राम पे दिख गई होगी, अगर कुछ भी अपलोड नहीं करा होगा तो समझ लेना कुछ खींच ही नहीं पाए ठंड की वजह से। ऐ सूर्य देवता, तगड़ी वाली धूप कर दो, मजेदार वाली, आधे घंटे के लिए बस। लो भाई लो, कलर्ड फ्लैग दिख गए, इसका मतलब हम लगभग लगभग पहुंच गए 100 मीटर और। क्या बात है, क्या बात है। सो फाइनली, अब ये तो हम कह नहीं सकते वर्ल्ड के हाईएस्ट पास पे पहुंच गए हैं, हाँ ये कह सकते हैं वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट पास पे पहुंच गए हैं। क्या बात है, यहाँ आएगी बढ़िया फोटो। पहला जो हो गया ना, पहला तेरा उमलिंगला हो गया ना, दूसरा केला हो गया, तीसरा हो गया, अब ये केला पास भी तो है। बहुत बहुत मुबारक है, पहली H2 खारदुंगला टॉप। चलो भाई अभी GoPro उतारते हैं, मस्त से एकदम सेट वेट होते हैं, बड़ी ऐसी रील वील फोटो वोटो क्लिक करवाते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत मुबारक है, इस लड़की की भी हिम्मत है भाई, दुकाटी लेके खारदुंगला तक आ गई है, शायद ही कोई लड़की लेकर आई हो सकता है, लेकर भी आई हो। इन द कंट्री जिसने गोल्ड चैन पहन के पार कर गया। अच्छा गोल्ड चैन बाहर आ गई क्या, मेडल मिला हुआ भाई को? अच्छा मेडल है, बहुत बहुत मुबारक है भाई, बहुत बहुत मुबारक है, सारी अपनी टीम को बहुत बहुत मुबारक है भाई, मजा आ गया फुल धमाल। लो भाई इतनी देर से हम इसी का वेट कर रहे थे, अपने हो गए हैं यूट्यूब पर 4 मिलियन, तो हम लेकर आए हैं 4 मिलियन वाले गुब्बारे, वहाँ लगाएंगे H2 4 मिलियन वाले गुब्बारे, फुलाएंगे और मस्त फोटो भी जाएंगे। ठंड तो लग रही है लेकिन इतनी दूर आए हैं, थोड़ी मेहनत तो कर ले। 4 आ गया गाइस, एम का रह गया, एम आ रहा है हमारा, एम चल पड़ा है, एम चल पड़ा है। ये कैसा 4 है भाई, एम की जगह पी लग रहा है ना। तो भाई अपने हो गए 4 मिलियन, फुला दिए गुब्बारे और बड़े सारे भाई लोग हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग? दिल्ली। अरे यार ये तो अपने दिल्ली के भाई, दिल्ली से हैं, आगे नहीं बोलेंगे ठीक है। चलो भाई फोटो क्लिक कर, बढ़िया थे भाई। ऐसी ठंड है, ऐसी बता नहीं सकते, हाथ एकदम जमने को हो रहे हैं, धूप निकली हुई है लेकिन फील ही नहीं हो रही है बिल्कुल। चलो भाई जन्मदिन मुबारक, इसको काटना वाटना नहीं, अपना अपना लोड चलते गाइस। पहले 5100 रुपए का शगन दो गाइस, सुना
उसके बाद 50,000 इक्यावन सौ के दे। चलो भाई अपना 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 उठाओ। चलो भाई आ जाइए भाई। चलो हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। पहले वीडियो बना दो उसके बाद खाएंगे। लो भाई वापस। चलो भाई रखो वापस। भाई व्लॉगर का ना ऐसा ही होता है यार, केक तब खाएंगे जब पहले पूरी वीडियो बनेगी, फोटो खींचेगी, उसके बाद ही केक खाने को मिलेगा। चलो जल्दी करो। वो देखो भाई RX 100 मेरी फेवरेट बाइक में से एक है। अपने पास भी हालांकि लेकिन बंदे लेकर आए यहाँ तक, बहुत बड़ी बात है। इन सबको बहुत बहुत मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक। तो भाई यहाँ आ गया अपना कावा। यहाँ पर आके ना कावा ही पियो, चाय कॉफी कुछ भी नहीं, कावा। यहाँ आ गई अपनी मैगी और ये भी मैंने यहाँ से खरीदा, बड़ा सुंदर लग रहा है। पहले यही वो जगह थी जहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, बाइकर ही बाइकर थे, वीडियो बनाने को जगह नहीं मिल रही थी। और अभी यही वो जगह खाली पड़ी है, फोटो खिंचाने के लिए कोई बंदा नहीं है। तो जल्दबाजी किसी काम को मत करा करो, आराम से सबको टाइम मिलेगा। और मैंने यही पहन लिया, विंड सीटर ना बहुत तेज हवा चल रही है, ये मैंने यहाँ से खरीदा। अभी निकल रहे वापसी नीचे की ओर। चलो भाई चलो। चलो मेरे भाई, जैसे ऐसे नीचे जाते रहेंगे ठंड कम होती रहेगी। चले लेट्स गो। भाई साहब तगड़ी ठंड भाई, तगड़ी ठंड। समीरन टेम्परेचर क्या हो रहा है? 2 डिग्री भाई। अभी हल्की धूप निकली है, इससे पहले ना आई थिंक -1 या 0 डिग्री हो रहा होगा। फुल जम गए थे आज, फुल जम गए थे। कावा पिया, मैगी खाई, तब जाके थोड़ी जान में जान आई है। अभी भी सांस चढ़ रही है हल्की हल्की ना। चलो चलते हैं धीरे धीरे नीचे। जो भी कहो यार, खारदुंगला चढ़ते टाइम अलग व्यू दिखता है, उतरते टाइम अलग व्यू दिखता है। क्या सही लग रहा है ना सामने के माउंटेन्स, जब चढ़ रहे होते हैं ये वाली सीनरी दिख रही होती है, अभी उतर रहे हैं तो वो वाली दिख रही है। सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये गाड़ी देख रहे हो, बिल्कुल टूटी फूटी, कहीं ऊपर से गिरी होगी। और उस साइड क्या लिखा हुआ है, एक बार बाइक रोकता हूँ हल्की सी। प्लीज ड्राइव केयरफुली, अगर आप केयरफुली ड्राइव नहीं करेंगे तो आपका हाल भी ऐसा हो सकता है। ट्रैवलर लग रहा है ना ये बड़े वाला, देखो कहाँ से गिरा होगा तभी ऐसा गुच्चू मुच्चू हो गया पूरा का पूरा ना। चलो वैसे तो जिप्सी की आवाज़ बहुत तेज है, लेकिन हमारी H2 के सामने सबकी आवाज़ें दब जाती हैं। तो अभी इंटरकॉम से खबर आई है आगे तगड़ी लैंडस्लाइड हुई हुई है, तो आधा घंटा लगेगा उसको खोलने में। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या। भाई आगे लग गया है तगड़ा जाम लैंडस्लाइड की वजह से। तो अभी हम बैठे हैं जादू बन के, धूप सेक रहे हैं, टोपी मैंने पहन ली, अभी मैं चार्ज हो रहा हूँ। तेरी पेसी पागी क्या मेरी? चल भाई चलने का टाइम। एक और जादू आ गया, ये महंगे वाला जादू है, गोगल वाला। और वो देखो दो बाइकें अपनी ना वहाँ खड़ी हैं, वो बैठे हुए वहाँ पर सामने ना, कह रहे भाई हमें पीनी है चाय, हमने बोला हमने लेनी है धूप, इसलिए हम यहाँ बैठ गए। शुरुआत में सुपर बाइक थी, बाद में कुत्ता लग रहा था। शुरुआत में अच्छी निकाली थी, बाद में एकदम से चेंज हो गया, जज्बात बदल के हालात बदल गए। चलो बाय बाय। जहाँ बैठते हैं अपने सब्सक्राइबर फैमिली के मेंबर मिलने आ जाते हैं। आई थिंक किसी जमाने में हेलीपैड बनाया होगा, हेलीकॉप्टर तो यहाँ पर एक भी नहीं उतरा होगा, ऐसा बना हुआ है। रास्ता बंद, रास्ता बंद आमिर भाई। ये कह रहे आ जाओ, वो वहां से तोड़ रहा है, उसकी सुनो इसकी सुनो। ओ भाई साहब देख देख देख, पत्थर पे चढ़ा दिया भाई इसने। ओ भाई क्या ही पावर होती होगी ना इसमें। भाई अरे रुक जाओ निकलने दो हमें। करीबन करीबन 2.5 करोड़ साल हो गए हमें ये रुके हुए, अब निकल रहे हैं। निकलो रुकू क्या कर रहा है ये भाई क्रेन वाला। ओ भाई कैसे साइड करी ना इसने,
बहुत जबरदस्त। चलो आ जाओ, धीरे 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 धीरे, जान दो जान दो जान दो जान दो, हवा आन दो। ऑफ रोड आगे देख के आना, मोटे मोटे पत्थर है बीच में, पहले ही अपने बाइक का एंगल घुमाते हुए आना। कम से कम हम एक घंटा फंसे रहे यहाँ पर, पहले आधा घंटा वहाँ बैठे रहे, फिर उन्होंने बोला खुल गया, वहाँ बुला लिया, फिर आधा घंटा वहीं खड़ा कर दिया। हमने इनको बोला भाई खोला ही नहीं था, बुलाया क्यों? कहते अरे अरे पाँच मिनट और, पाँच मिनट करते करते एक घंटा हमारा शिव हो गया, शिव। आई थिंक यहाँ फिर से रुकना पड़ेगा, खरदुंगला चढ़ने के लिए हमें डेढ़ घंटा लगा, उतरने के लिए हमें तीन साढ़े तीन घंटे लग जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो काम हो रहा है हमारे लिए तो हो रहा है, रोडें चौड़ी हो रही हैं ताकि हम इजीली आ सके। वेट कर लेंगे, करो आप आराम से। ये देखो एक स्टॉपेज यहाँ है और दूसरा वो नीचे लगेगा, वहाँ देखो कैसी लाइन लगी हुई है। अच्छा अब मैं बाइक से उतरा तो अब मैंने देखा ये सिंगल ही है भाई, वहाँ पर अलग नहीं रुकना पड़ेगा, यही रोड नीचे आ रही है, ये जो क्रेन काम कर रही है ना यही नीचे पत्थर गिरा रही है, तो इसी रोड पे गिर रहे हैं और उन्होंने भी यहीं पर आना इसलिए उनको रोका हुआ है। मतलब जब ये काम करना बंद करेगी वो वहाँ से आ जाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। कार्बन फाइबर ना अलग ही भाई शाइन मारता है, ये देख रहे हो, मतलब कितनी बाइक गंदी भी हो रही है लेकिन धूप में अलग ही शाइन मार रही है। चलो भाई चलो, लेट्स गो। खुल गया है जाम, जाम कह लो, लैंडस्लाइड वाला सेक्शन कह लो, लैंडस्लाइड नहीं बेसिकली रोड चौड़ी कर रहे हैं अभी। यहाँ लैंडस्लाइड तो क्या ही होगी, हो भी सकती है, पहाड़ तो ऐसे ही हैं लेकिन ये रोड और चौड़ी कर रहे हैं। ये देखो भाई नई वाली थार, देख रहे हो टेस्टिंग हो रही है, आप मत बोलना मैंने आपको दिखाई नहीं, टेस्टिंग होगी फिर उसके बाद मार्केट में आ जाएगी, नई वाली थार यहाँ घूम रही है, क्या बात है। लो भाई पहुँच गए हम लगभग लगभग अपने होटल, वापसी ले, यहाँ से आधा किलोमीटर ही रह गया, अभी जाएंगे थोड़ा फ्रेश होंगे, आधा एक घंटा आराम करेंगे, फिर उसके बाद शाम को जाएंगे मार्केट घूमने के लिए। शाम को यहीं अपने को मार्केट घूमने आना, अभी बिल्कुल एकदम खाली, शाम को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। लो भाई लो होम स्वीट होम, अभी दो चार दिन के लिए तो अपना घर यही है ना। जाने दे जाने दे जाने दे, आवाज आ गई, रोक ले। चलो भाई डालो डालो डालो, एकदम बढ़िया। यहाँ आ गया फ्राइड राइस, बहुत तगड़ी भूख लग रही थी और अभी टाइम शाम के पौने छः, मस्त आके हमने एक घंटे का रेस्ट ले लिया, अभी खाएंगे उसके बाद फिर सो जाएंगे। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा पहाड़ चढ़ के आए हैं, आते हुए जो जाम मिल गया ना उसने दिमाग खराब कर दिया था भाई सही में। आमिर भाई तुम नहीं खा रहे क्या, आ जाओ फिर फटाफट से। तो भाई सीन ऐसा, 9:10 अपने को जाना था मार्केट लेकिन भाई नींद नहीं खुली, ऐसी तगड़ी नींद आई ना तगड़ी नींद आई, अब क्या जाएंगे मार्केट, यहाँ से मार्केट है तो 5-10 मिनट का रास्ता, नीचे बॉन फायर हो रही है, सारे के सारे वहाँ बैठे, मैं तो मस्त सोया हुआ था, जाते हैं थोड़ी देर नीचे बैठते हैं डिनर करते हैं सो जाते हैं, कल देखेंगे मार्केट, हो सकता है कल हम वापसी श्रीनगर के लिए निकल जाए या मनाली के लिए या यहीं रुके तो मार्केट जाएंगे, जैसा भी होगा अभी कल पे डाल देंगे। तगड़ी नींद आई भाई, मज़ा आ गया। चलो ओ भाई स्पाइडरमैन, वही सीन ऐसा, बाहर ही बैठे हैं और यहीं पर साइड में बुफे लगा हुआ है, पीछे गाने बज रहे हैं तो यहाँ वीडियो नहीं बनाते नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। वही आज हमने ना अपने शिंगे भाई को बहुत मिस करा, जिप्सी आ गई लेकिन उनकी कमी खल रही थी, जब भी आते उनसे मिलते मिलते शिंगे भाई को मिस करा, इसलिए हम खेल रहे हैं शिंगा, शिंगा ही है ना ये जिंगा, लेकिन आज के लिए इसका नाम शिंगा कर दो, दोनों दो हाथ से नहीं खेलते, खेलना है कि हाथ से अरे 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 थैंक यू मेरे भाई थैंक यू, आ जाओ आ जाओ आमिर भाई, दो हाथ से शिंगा खेलेंगे, दो हाथ से नहीं एक। तो भाई शिंगा खेलते खेलते इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं, होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आएगा, यहाँ तक अपने वीडियो देख लेना, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, आज अपने को बहुत ज्यादा मजा आया भाई, खरदुंगला टॉप तक अपनी बाइक लेके गए, बड़ी सारी फोटो क्लिक करी, आधी से ज्यादा इंस्टा पे अपलोड भी कर दी, आपने देख भी ली होगी। कल का प्लान हमारा ये है, हमें करना है होटल चेंज, वैसे कल हम यहाँ से निकल रहे थे श्रीनगर के लिए, लेकिन अभी थोड़ा प्लान होगा कि एक दिन और रुक जाते हैं, थोड़ा आराम आराम करते हैं, आराम से चल जाएंगे, जल्दी तो है नहीं, और सबसे मेन चीज यहाँ पर सारे रूम बुक है, तो यहाँ से हम होटल चेंज करके इन्हीं की दूसरी प्रॉपर्टी है सामने वहाँ शिफ्ट होंगे, तो कल आधा दिन तो उसी में निकल जाएगा, सारा सामान वान पैक करेंगे, वहाँ जाएंगे बाइकें धुलवाएंगे, थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, मार्केट घूमेंगे, जो जो होगा कल ही दिखाएंगे, बाकी मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 सबको, बाय 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 बाय। शिंगा ये क्या है भाई, तो मैं शिंगा खेलना नहीं आ रहा, शिंगा शिंगा चलो भाई तेरी बारी है, वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।